हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ड्रोन्स के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। मेरे राइट हैंड साइड में है Q808 द मिनी ड्रोन और वहीं लेफ्ट हैंड साइड में है Q2 द मिनी ड्रोन। सो फ्रेंड्स, दोनों ही ड्रोन जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन फाइंड करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है और ना ही आसान ये बताना है कि कौन सा ड्रोन आपको लेना चाहिए और कौन सा ड्रोन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप हम जितने भी इनके फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन सा ड्रोन आपके लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इन दोनों ड्रोन्स के रिमोट को एक साइड में रख देता हूं और सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर Q2 द मिनी ड्रोन के बारे में। सो फ्रेंड, इन दोनों के अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए और इनकी अनबॉक्सिंग वीडियो सबसे पहले देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे बढ़िया बात है इसकी बिल्ड क्वालिटी। सो फ्रेंड्स, बिल्ड क्वालिटी के मामले में ड्रोन जो है बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आप देख सकते हैं एक्यूरेट बिल्ड क्वालिटी है और काफ़ी बढ़िया प्लास्टिक और बढ़िया मटेरियल का यूज किया गया है इसको बनाने में। और फ्रेंड्स, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इसके जो आर्म है आप उनको आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और इसके जो प्रोपेलर गार्ड्स हैं उनको भी आप ईजिली रिमूव करके दोबारा लगा सकते हैं। हालांकि अभी मैं रिमूव नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन आप इनको लगा सकते हैं। और इसके अंदर मिलता है आपको इधर की तरफ ऑन ऑफ स्विच, और नीचे की तरफ मैं बात करूं यहां मिलता है आपका उसका बैटरी कंपार्टमेंट। सो फ्रेंड्स, इसकी बैटरी के बारे में बात यहां पे मैं इसके साथ ही करना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, इसकी बैटरी है 3.7 वोल्ट 220 mAh की, जो कि आपको अच्छा खासा फ्लाइंग टाइम दे देती है। इसके अंदर आपको कोई भी कैमरा नहीं मिलता है। कैमरे की जगह पर यहाँ लगाई हुई है एक वाइट कलर की LED, जो कि आपको बताती है कि ये जो ड्रोन है ये कितना ज़्यादा चार्ज है और ये डाउन कब होगा। यदि ये ब्लिंक करती है तो इसका मतलब डाउन हो चुका है, और यदि ये ब्लिंक नहीं करती है तो इसका मतलब ये फुल चार्ज है। सो फ्रेंड्स, ये ड्रोन जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और मैंने अभी इसकी वीडियो भी डाली थी, आपने शायद देखी होगी। सो फ्रेंड्स, ये हो गई बात Q2 के बारे में। अब बात करते हैं सिल्वर बुलेट के Q808 के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इसके प्रोपेलर गार्ड को रिमूव नहीं कर सकते। इसके इनबिल्ड में ही, मतलब इसके अंदर ही, इसके डिजाइन में ही ऐसा बनाया गया है कि ये प्रोपेलर गार्ड्स का ही काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक तरीके से इसको बनाया गया है, और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और ये ड्रोन जो है मेरा अब तक का बढ़िया ड्रोन है, और मैं इसको हालांकि बाद में फ्लाई करता हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। इसके जो मोटर्स हैं कॉर्डलेस मोटर, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट ऑब्टेन करते हैं और इसको आसानी से लिफ्ट कराते हैं। यहीं मैं इसके साथ ही साथ इसकी बैटरी की बात करूंगा। सो फ्रेंड्स, इसकी बैटरी के बारे में बात करूं तो यह बैटरी मिलती है आपको 3.7 वोल्ट 150 mAh की, जो कि ये भी आपको अच्छा खासा फ्लाइंग टाइम दे देती है। इसके अंदर आपको कोई भी ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलता है, आपको सीधा जो बैटरी का प्लग है वो इंसर्ट करना होता है और ये सीधा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, फ्रंट पे मिलती है आपको वाइट कलर की LED, पीछे मिलती है आपको रेड कलर की LED। दोनों ही ब्लिंक करती हैं और काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव LEDs हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपको बताती हैं कि आपकी बैटरी चार्ज है और डिस्चार्ज है। सो फ्रेंड्स, ये भी बात हो गई इन दोनों ड्रोन्स के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बढ़िया बात मैं आपको बता दूं कि इनके जो रिमोट हैं उनके अंदर फीचर्स ज़्यादा हैं, और अब मैं बात करना चाहूँगा इनके रिमोट्स के बारे में। सो इन दोनों को मैं रखता हूँ साइड में और फिलहाल बात करूँगा इनके रिमोट्स के बारे में। सबसे पहले मैं उठाता हूँ Q2 का रिमोट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी जो थ्रोटल है वो अपसाइड डाउन करनी होती है, आपको मिडल में नहीं मिलती है। इसका मतलब आपको इसके अंदर ऑटो स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबिलिटी मोड नहीं मिलता है। ये हैं इसके ट्रिम बटन्स। इधर मिलती है आपको रेड LED, जो कि इंडिकेट करती है कि आपका रिमोट ऑन है कि ऑफ है। देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया साउंड है इसकी, बीपिंग अच्छे तरीके से करता है ये। और ये लेफ्ट राइट के लिए बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ऊपर की तरफ आपको 360 फ्लिप मिलता है यहाँ पर, यहाँ पे मिलता है आपको इसका स्पीड कंट्रोल बटन, और इधर गिरती है इसमें AA बैटरीज। आप देख सकते हैं इधर AA बैटरी का यूज़ होता है, और 3AA बैटरी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, चार्जेबल भी और नॉन रिचार्जेबल दोनों इसके अंदर लगती हैं। हालांकि इसके अंदर नॉन रिचार्जेबल ही हम यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बात हो गई इसके रिमोट के बारे में। काफ़ी बढ़िया रिमोट है, अच्छी फीलिंग्स आती है उसका हाथ में लेकर, लेकिन बस एक ही कमी है कि इसके अंदर आपको स्टेबिलिटी मोड नहीं मिलता है। अगर जो ये कुछ इस तरीके से होता तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता। तो चलिए फ्रेंड्स, जो है वो सही है, जो नहीं है वो भी सही है। लेकिन फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा इसके जो सिल्वर बुलेट का Q808 है उसके रिमोट कंट्रोल के बारे में।
सो फ्रेंड्स, सबसे बढ़िया जो अट्रैक्टिव बात मुझे इसके अंदर लगती है वो है इसका कलर कॉम्बिनेशन। स्काई ब्लू के साथ आपको मिलता है वाइट कलर का कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हैं इसके अंदर इसका ये है जो इसकी जो स्टिक जो है वो मिडल में है। इसका मतलब है इसके अंदर मिलती है आपको स्टेबिलिटी मोड और वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, आप इसको कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये है इसका ऑन ऑफ स्विच और इस तरीके से ऑन होता है। एक बार अप साइड डाउन करने से ये जो है इजीली ब्लिंक होना बंद हो, जिसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। और इसके अंदर बहुत ही कम कीज़ का यूज़ किया गया है, ट्रिम बटन ये नहीं है। और इधर ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट और राइट, और इसके अंदर मिलता है आपको ऑटो टेक ऑफ और ऑटो लैंडिंग। देख सकते हैं वन की टेक ऑफ और वन की लैंडिंग भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर मिलता है 360 और यहाँ पे मिलती है आपको स्पीड कंट्रोल। लेकिन फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ 2AA बैटरीज ही हम लोग लगाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है कि कलर जो है दोनों का मैच हो गया है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इनकी बैटरी के बारे में बता दूँगा, क्वालिटी के बारे में बता दूँगा, इनके रिमोट्स के बारे में भी बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई ज़्यादा क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाई है कि कौन सा ड्रोन आपको लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए बढ़िया है, कौन सा आपके लिए बेकार है। सो फ्रेंड्स, ये जो क्लियरिफिकेशन है ये होगा इनके फ्लाइंग टेस्ट में। जब हम इनका ग्राउंड में फ्लाइंग टेस्ट करेंगे तो मैं आपको हालांकि अच्छे तरीके से जब मैं बता पाऊंगा कि आपको कौन सा ड्रोन लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इंतज़ार नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा ग्राउंड में और करते हैं इनका फ्लाइंग टेस्ट। उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा ड्रोन आपके लिए बेहतर है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं ग्राउंड में और अब हम फ्लाइंग टेस्ट करने वाले हैं Q2 द मिनी ड्रोन का। सो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी अपना रिमोट कंट्रोल जो है ऑन कर चुका हूं और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल कनेक्ट है हमारे रिमोट से ये वाला ड्रोन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं इसका फ्लाइंग टेस्ट। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है ये ड्रोन जितना ज़्यादा मैं सोच रहा था और जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑटो स्टेबिलिटी मोड नहीं मिलता है और वहीं जब मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ तो कंट्रोल भी इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं हो रहा है। देख सकते हैं मैं सिग्नल जो है पहले भेज रहा हूँ, रिमोट से जो की है मैं उसको पहले दबा रहा हूँ, लेकिन जो एक्शन है उसका वो रिप्लाई जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, लेकिन कहीं को ये रिप्लाई बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको ऑटो स्टेबिलिटी मोड नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक जगह स्टेबल नहीं रहता है ये, तो इसलिए इस ड्रोन को मैं कहूँगा आपसे कि आप ना ही ले तो बढ़िया है, और इतना ज़्यादा बढ़िया ये ड्रोन नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब ये टाइम है मिनी ड्रोन Q808 की फ्लाइंग टेस्ट करने का। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपनी थ्रोटल को अप करता हूँ ये ड्रोन जो है हवा में लिफ्ट हो जाता है और बहुत ही स्मूथ और स्टेबल फ्लाइट आपको देता है। देख सकते हैं आप 360 फ्लिप कितने अच्छे तरीके से ऑपरेट करता है हवा में और काफ़ी स्टेबल है इसकी फ्लाइट। आप यकीन नहीं मानेंगे इतना बढ़िया ड्रोन है, आप सोच भी नहीं सकते 1500 की प्राइस रेंज में आपको ये बहुत बढ़िया ड्रोन मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, कितनी दूर तक ये फ्लाई करता है, हालांकि ये कितनी दूर तक फ्लाई करता है ये अब तक मैं भी नहीं जान पाया हूँ, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाना चाहता हूँ कितनी दूर तक ये फ्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफ़ी दूर है ये ड्रोन मेरे से और वहाँ पर जाकर भी ये 360 फ्लिप बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट करता है। सिग्नल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया है, रिमोट की 2.4 GHz की फ्रिक्वेंसी के साथ आपको ये ड्रोन मिल जाता है और कुल मिला के बहुत ही बढ़िया और ताकतवर ड्रोन है। मुझे बहुत धांसू लगा, एकदम ड्रोन बढ़िया है। और फ्रेंड्स, इस ड्रोन को जो है मैं बाद में भी फ्लाई करता हूँ, ये मुझे बिल्कुल गजब का फील देता है। और यदि आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताऊँ इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे बढ़िया ड्रोन है मिनी ड्रोन Q808। ये सिल्वर बुलेट का ड्रोन है और काफ़ी बढ़िया ड्रोन है। तो Q2 तो आप ना ही ले तो अच्छा है, लेकिन सिल्वर बुलेट का Q808 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।